हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। हम लोग 50 से एक लेक्चर में ख़त्म कर चुके थे और 50 दूसरे लेक्चर में, ये तीसरा लेक्चर हमारा। ठीक है, आपको बता दें ये सभी जितने हम लोग लेक्चर ख़त्म करते जा रहे हैं बायोलॉजी से संबंधित, ये जनरल साइंस वाली सूची में डाल देंगे। ठीक है, तो 101 बाय वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, तो बी ऑप्शन है, ये संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। ठीक है, 102 क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो आपको याद रखना है प्री कैम्बियन में, जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई है। वायरस रोग है तो याद रखिए वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये ऑप्शन है 103 का, इससे वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है, इसे फ्लू भी कहते हैं। यह मेंसो वायरस द्वारा होता है। इस रोग के लोग रोगी टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक्स दवा लेनी चाहिए। डिप्थीरिया, यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए DPT का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, फिर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी को लगातार उल्टी एवं दस्त होता है। हैजे का टीका लगाना चाहिए तथा पानी को उबालकर पीना चाहिए। ठीक है, फिर आगे 104 क्वेश्चन, वायरस होते हैं, याद रखना है स्वतंत्र जीन, डी ऑप्शन है, वायरस स्वतंत्र जीन होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेलर या एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य। ठीक है, फिर हमारा 105 क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है डार्विन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तरह तरह की परीक्षाओं में। तो ऑर्गन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। 1859 में यह पुस्तक प्रकाशन में आई। एड्स का कारण है, तो याद रखिए HTLV3। ठीक है, डी ऑप्शन है, एड्स का कारण HTLV3 होता है, यह HIV वायरस होता है। एनीमिक टिश्यू ऊतक की वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है। बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कारण हो रही हो तो उसे हम रोग कहते हैं। 107 क्वेश्चन है, वायरस में होता है, तो आपको याद रखना है DNA और RNA। ठीक है, या RNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA बना का होता है। फिर 108 बैक्टीरियोफेज है, तो आपको याद रखना है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, वैसा वायरस जो जीवाणु के भक्षण करता है बैक्टीरियोफेज कहलाता है। 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आपको याद रखना है जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि एक कोशीय होते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, मोटोलिज्म सहयोगकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लैटमस पन्ना बनाने का काम आता है। 110 बार उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो याद रखना विषाणुओं में। 111 क्वेश्चन नंबर, बैक्टीरियोफेज
भी फेज में होता है तो आपको याद रखना डीएनए। बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। पिथम विषाणु के खोजकर्ता हैं तो आपको याद रखना है युवा नोस्की, ये ऑप्शन है। पिथम विषाणु के खोज युवानोस्की ने 1892 में तंबाकू के पौधे में किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में युवानोस्की ने बताया था, विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होता है, इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। बात करते हैं 113वें क्वेश्चन की, सबसे बड़ा विषाणु है तो याद रखना है फॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु फॉक्स विषाणु होता है, छोटी माता यह वेरिसेला वायरस के द्वारा होती है। शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार आ जाता है। एक व्यक्ति को एक बार यदि यह रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता है, क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फिर चेचक, यह रोग वेरिबोला वायरस के कारण होता है। रोगी को तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं। बच्चे को 3 से 6 महीने के अंदर टीका लगवाना चाहिए। हर्पीज, यह रोग हर्पीज विषाणु द्वारा होता है। यह एक त्वचा रोग है, इसमें त्वचा में सूजन हो जाता है। एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग से मुक्ति पाया जा सकता है। 114वां क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था तो याद रखना है ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक 1936 में A.I. ओपेरिन द्वारा लिखा गया। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 115वां, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ तो आपको याद रखना है एनएरोबिक। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं विषाणु होते हैं तो आपको याद रखना है पूर्ण परजीवी। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जोंगजू विषाणु अम्रलती। वैसे जीव जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं, कवक बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु। 117वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है तो आपको याद रखना है गोरिल्ला। प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी गोरिल्ला है। 118वां क्वेश्चन है, चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं तो याद रखिए समरूप। चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख समरूप होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में फंक्शंस में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं रहा है, अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे अपेंडिक्स, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंख में इत्यादि। 119वां क्वेश्चन है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है क्या कहलाता है तो याद रखिए सेप्रोफाइट। जो मृत कार्बन पदार्थों पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। अधिपादक, ऐसा पौधा है जो पोषी पौधा पर रहता है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है। ऑर्किड, सबसे छोटा बीज ऑर्चिड का होता है। 122वां क्वेश्चन, 120वां, सरीसीपों का युग है तो याद रखना है मेसोजोइक महाकल। 121वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं तो याद रखना मोनोसेकेराइड, ठीक है ए ऑप्शन है। 122 क्वेश्चन नंबर, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है तो याद रखना है प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक तत्व प्रोटीन होता है। 123वां क्वेश्चन है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है तो आपको याद रखना है अमीनो अम्ल, डी ऑप्शन सही है। 124 क्वेश्चन, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है तो याद रखना है यकृत में। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है तो आपको याद रखना है यूरिक एसिड, सी ऑप्शन सही है यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिन यूरिक एसिड निकलता है
यूरिकोटली कहलाता है, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी इत्यादि। वैसे जी जो उपसर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकाला यूरिकोटली कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है एमोनोटिक कहलाते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, मछली। बात करते हैं 126वें क्वेश्चन की। 126 सभी कीट होते हैं, तो आपको याद रखना है यूरिकोटिलिक। 127वां क्वेश्चन है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया, तो याद रखना है यूरियस। रवों के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया। लाइपेज फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। बात करते हैं 28वां क्वेश्चन, तो उत्सर्जी की इकाई है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है 28 का। उत्सर्जन की इकाई न्यूट्रॉन है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा, न्यूरॉन का एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का संदेश वाहक का कार्य करता है। 129 क्वेश्चन नंबर, बिक या किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, तो याद रखिए यूरेमिया। बिक की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहते हैं। 130वां क्वेश्चन है, पक्षी होते हैं, तो याद रखना है यूरिकोटिलिक। पक्षी होते हैं यूरिकोटिलिक। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटिलिक कहा जाता है, छिपकली, सांप, पक्षी। 131वां क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो याद रखना वृक्क के पेल्विस में ऑक्सीलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 132वां क्वेश्चन, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। 133 क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार में रुधिर नहीं होता है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, तो आपको याद रखना हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन होता है। 134वां, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, तो याद रखना स्वचालित तंत्रिका तंत्र में। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र में होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है, यह आंख की पुतलियों को सिकुड़ता है, यह स्वदेश ग्रंथियों से पसीने को स्राव घटाता है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह आंख की पुतलियों को फैलाता है, यह स्वेद ग्रंथियों से पसीने के स्राव को बढ़ाता है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। बात करते हैं 135वें क्वेश्चन की, सांस लेने में इच्छुक विषय के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो याद रखिए मेडुला से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, यह बुद्धिमता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, ज्ञान वाणी, चिंतन का केंद्र है। मेडुला ओब्लॉगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, यह उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण एवं अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु होता है। स्पाइनल कॉर्ड यह पितिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है। बात करते हैं 136, एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में सांस लेता है, तो याद रखना है 14 से 18 बार, सी ऑप्शन सही है। 137 श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो याद रखना है मेडुला ओवल ओवलगेटा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ओब्लॉगेटा द्वारा होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह ऐच्छिक स्पीशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। बात करते हैं 138वें क्वेश्चन की, हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है, तो याद रखिए नर त्वचा द्वारा, नम त्वचा द्वारा।
हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय मेंढक नम त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेंढक जब पानी में रहता है तब वह बाह्य गिल्स में श्वसन करता है। मेंढक जब जमीन पर रहता है तब फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है। 139वां क्वेश्चन है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ओ2 की कितनी मात्रा होती है? याद रखना है आपको 16%। इनस्पिरेशन में मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, लेकिन निश्वासित वायु में ओ2 की मात्रा 17% होती है। निम्नलिखित में 140वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो याद रखिए Na+। ठीक, 141 क्वेश्चन नंबर, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो याद रखना है आयरस द्वारा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है आयरिस द्वारा या कोनिया के पीछे स्थित होता है। कोनिया आंख में विकास कोनिया से होकर प्रवेश करता है, नेत्रदान में से ही दान दिया जाता है। 142 क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क का किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र है? तो याद रखना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा पसीना खुशी गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। 143 क्वेश्चन नंबर, सबसे लंबी कोशिका होती है? तो याद रखना है आपको ये होती है तंत्रिका कोशा। ठीक है, 144, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो याद रखना प्रमस्तिष्क। ठीक है, 145 क्वेश्चन, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो याद रखना है मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। 146वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो याद रखना हाइड्रा में। 147वां क्वेश्चन, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो याद रखना है प्रमस्तिष्क। 148वां क्वेश्चन, लैंगरहंस के उपद्वीप पाई जाती है? तो याद रखना अग्नाशय में। अग्नाशय द्वीप का लैंगरहंस द्वीप का अग्नाशय में पाया जाता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहंस से इंसुलिन स्रावित करता है, इसकी कमी से डायबिटीज या चीनी का रोग होता है। इस बीमारी से दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन सुई या गोली लेना पड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मानव मस्तिष्क में यह पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 149वां, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड से। वृद्धि हार्मोन स्रावक पिट्यूटरी से होता है। ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स STH यह हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से गिगांटिन भीम कालता एवं कमी से ड्राइटिन बौनापन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है, यह लैरिनेक्स के पास स्थित होती है। इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका निर्माण आयोडीन प्रोटीन से होता है। शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। यह कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करता है। यह एड्रोजन सेक्स हार्मोन स्रावित करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। दाढ़ी मूछ आना जननांगों का विकास शरीर के अन्य भागों में बालों का आना। बात करते हैं हम लोग 150वें क्वेश्चन की, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखना यकृत। ठीक, 150 क्वेश्चन हो गए, अब आगे देखेंगे हम लोग 50 और। ठीक,